ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं प्रयास संख्या 314। अर्थ सुनी सनातन विस्मित हैया स्तुति करे महाप्रभुर चरण धरिया। आत्माराम श्लोक के विभिन्न अर्थों की व्याख्या सुनकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित रह गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। वास्तव में जब हम शास्त्रों को खुद से पढ़ते हैं और जब हम उनका श्रवण करते हैं तो उसमें बहुत अंतर होता है, आपने देखा होगा। जब हम श्रवण करते हैं तो ऐसे ऐसे अर्थ निकल के आते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति की रियलाइजेशन डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से उसकी जो व्याख्याएँ होती हैं। तो इस कारण से जहाँ पर खुद पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही पठन, इसलिए श्रवण भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर इतनी व्याख्याएं स्वयं भगवान द्वारा सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित रह गए, इसलिए श्रवण विधि बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारी भक्ति में। पठन तो हमारे ही विचारों को ही हम लोग, हालांकि हमारे विचार भी हमारे विचार नहीं होते, हमारे विचार भी आचार्य द्वारा सुने गए विचार होते हैं, राइट। हम कई सालों से चीज़ों को सुन रहे होते हैं, उस तरह से हमारे माइंड सोचने लगता है और फिर कई बार लगता है हमें कि हमने कितना अच्छा बोला। वास्तव में वो मिश्रित है सारे शब्दों से जो हमने सुने आज तक। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हम बोल पाते हैं वो भी गुरु भगवान वैष्णव की कृपा से बोल पाते हैं, और जो हम बोल पाते हैं उसमें सुने हुए का प्रभाव ज़्यादा होता है, या जो सुनता है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा बोलने पर उसके कंपेयर टू कि जो खुद ही अध्ययन में लगाए, क्योंकि खुद ही अध्ययन से उसकी अपनी जितनी चेतना है उतना ही सोच पाएगा। इसलिए श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सनातन गोस्वामी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। साक्षात ईश्वर तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन तोमर निश्वासे सर्व वेद प्रवर्तन। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आप महाराज नंद के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारे वैदिक ग्रंथ आपके श्वास के माध्यम से ध्वनित होते हैं। समझ गए कि इतनी व्याख्याएं कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, आप साक्षात भगवान हैं, वजेंद्र नंदन हैं, जानते ही थे वैसे तो। यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं उस बात का कि भगवान कृष्ण में, जगन्नाथ जी में और गौरांग महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। सही गौर सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तुम ही वक्ता भागवतेरा तुम ही क्या जान अर्थ तोमा बिना अन्य जानीते ना ही कसमर्थ। हे प्रभु, आप भागवत के आदि वक्ता हैं, आप ही के मुंह से जो निकला वास्तव में वही भागवत है। ज्ञान क्या है? जो आप बोलते हैं वही ज्ञान है वास्तव में। धर्मो तो साक्षात भगवत पंडिता जैसे हम कहते हैं, जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है वास्तव में, वही ज्ञान है। इसलिए भगवत गीता साक्षात ज्ञान है, इसलिए वो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप भागवत के आदि वक्ता हैं, अतः आप ही इसके वास्तविक अर्थ को जानते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थ को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि आप ही के वचन है ना, आप ही तो जानेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, राइट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं हमारे लिए। सबसे बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो भगवान की बोली हुई वाणी को भक्तों के लिए उसका क्या अर्थ है समझाते हैं, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में, अपने जीवनी में। क्योंकि वो एक भक्त के रूप में आए, भक्त के रूप में संसार में आते हैं, तो इसलिए भगवद्गीता भागवतम को भक्तों के लिए इसका क्या अर्थ है ये समझाते हैं अक्सर। एंड दैट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि स्वयं अपनी वाणी को कोई व्यक्ति खुद ही समझाए तो बेस्ट है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्या इंटेंशन है किसी स्टेटमेंट के पीछे। इसलिए आप ही आदि वक्ता हैं, इसलिए आप ही अर्थ को जानते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थ को नहीं समझते, तो क्या मतलब बाकियों को नहीं बोलना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? लेकिन अगर जो लोग इस परंपरा के अनुसार एज इट इज़ बोलते हैं जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तो उसको माना जाता है वो उतना ही सार्थक है जितना कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा बोला गया। इसलिए हम वही बोलने का प्रयास करते हैं जो हम सुनते हैं, ताकि मैटर एज इट इज़ आगे जाए और उसमें मिश्रण नहीं करते। इसलिए भी कहते हैं कि व्यक्ति किससे सुना जाए, जो व्यक्ति उसको अपने आचरण में ला रहा है, नहीं तो देखेंगे आप ना कहीं वो ट्विस्ट कर ही देगा, छोटा मोटा ट्विस्ट करता रहेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत लेक्चर दे रहा है हमारा और सवेरे जल्दी नहीं उठ पा रहा है, बिकॉज एज एनी रीज़न, कोई रीज़न हो सकता है, शारीरिक समस्या हो सकती है, तो अक्सर आप देखेंगे कि वो सवेरे उठने को यही बोलेगा कि हाँ उठ जाएँ तो ठीक है,
हाँ, नहीं तो जब भी माला करें ध्यान पूर्वक करें, वो एकदम से नहीं, उठना ही जरूरी है तो, है ना। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति खुद नहीं करता है तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एज इट इज बोलने में दिक्कत आती है। जो सच्चा व्यक्ति है वो नहीं बोल पाता ना, झूठा व्यक्ति तो कुछ भी बोलेगा। सच्चा व्यक्ति देखता है, नहीं मैं तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज बोलें और हम उससे सुने जो कि रियलाइज्ड हैं, उसको उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इसके अर्थ को नहीं समझ सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं इसी कथन के आधार पर हमारी भगवद गीता श्रीमद भागवतम की सॉरी भूमिका लिखी गई है। इसी श्लोक के आधार पर प्रभु कहे केने अगर केने कर अमर स्तवन भागवत तेरा स्वरूप केने ना कर विचारण। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम मेरा स्तवन क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, तुम्हें श्रीमद भागवत की दिव्य स्थिति को समझना चाहिए, तुम इस महत्वपूर्ण बात पर क्यों विचार नहीं करते? हाँ, चैतन्य महाप्रभु मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मुझे क्यों भगवान कह रहे हो? भागवत श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा ऐसे ही कहते थे। ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हम जब भी कोई व्यक्ति आए उसको क्या करें, उसको हम भगवान भागवत ग्रंथों से अटैच करें। यानी कि वही बात हो गई, हम कोई मन ग्रंथ चीज़ें ना डिस्कस करके भागवत गीता इत्यादि भागवतम चैतन्य चरितामृत को डिस्कशन करें या ग्रहण ग्रंथों को डिस्कशन करें जिन्हें हमारे आचार्यों ने लिखा है। इधर उधर की बातें करेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तुम इसको छोड़ दो, हालांकि चैतन्य महाप्रभु गॉड हिमसेल्फ कृष्णा हिमसेल्फ, लेकिन वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। वो कह रहे हैं आप क्या कीजिए, भागवत पे महत्व दीजिए, वो महत्वपूर्ण है, उसको पढ़िए। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ काया। श्रीमद भागवत कृष्ण के तुल्य महान है। वास्तव में श्रीमद भागवत को कृष्ण का शरीर मानते हैं, जानते हैं आप, इसलिए भागवत की पूजा भी करी जाती है। जब भागवतम सप्ताह भी होता है तो लोग भागवत की पूजा भी करते हैं, घर में भी लोग उसे पूजा भी कर सकते हैं, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तो उसको भगवान का शरीर ही है साक्षात, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए भगवान के समान समझना चाहिए। हमने सुना श्रीमद भागवत में ही कि भगवान के जाने के बाद धर्म कौन स्थापित करेगा, व्हाट इज द धर्म नाउ? तो बोला कि कृष्ण तो चले गए हैं धाम में लेकिन भागवतम छोड़ के गए हैं, तो वही है अब कृष्ण के रूप में। और वही भागवतम बताती है हमें कि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। या हम सुनते हैं कि कली दोष निधे राजनस्ति एक महागुणा कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संगम परम रजेत, कि कृष्ण का नाम, वैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि सारे यज्ञों में मैं जो है कृष्ण जो है जप यज्ञ हूँ। तो ये ग्रंथों में ये निकल के आता है कि भगवान का नाम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भगवान। तो भगवान का मतलब कि श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता या भगवान का नाम, हाँ ये सब बराबर ही हैं, वास्तव में उतनी पोटेंसी है इनके अंदर। तो बता रहे हैं कि कृष्ण के तुल्य क्या है, श्रीमद् भागवतम जो कि परमेश्वर तथा सबके आश्रय है। श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक में तथा प्रत्येक अक्षर में अनेक अर्थ निहित हैं। मैंने तो तुम्हें एक श्लोक के अनेक अर्थ बताए, हर श्लोक को पढ़ा जाएगा तो उसमें अनेक अनेक अर्थ निकलेंगे। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये अर्थ निकालने वाले सांसारिक लोग भी होते हैं जो कि भक्त नहीं हैं, भगवान को सुप्रीम नहीं मानते हैं, फिर भी क्योंकि भगवद्गीता इतनी फेमस है तो हर फेमस चीज़ का लाभ हर कोई उठाना चाहता है। तो अपने बुद्धि के आधार पर यदि मैं कोई पुस्तक लिखूँगा तो कौन पढ़ेगा उसको? लेकिन यदि मैं भागवतम या भगवद्गीता के ऊपर टिप्पणी लिख दूँगा तो मेरी बुद्धि भी प्रस्तुत हो जाएगी और लोग इस बहाने से खरीदेंगे कि ये तो भगवद्गीता है, और फिर मेरी बुद्धि का लोहा मानेंगे। इसलिए बेस्ट ये नहीं है कि भगवद्गीता पर टिप्पणी लिख दी जाए और ये सोच के 600 700 800 पता नहीं कितनी अलग अलग वैरायटी ऑफ भगवद्गीता मिलती है, इतने लोगों ने ट्राई किया फेमस होने के लिए। वास्तव में इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पहले भक्त होना चाहिए ना, तभी तो टीका करे। जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कौन उनके अर्थ को जानेगा? हाँ, तो हम लोग बिना ये माने कि ईश्वर परम कृष्ण, हम ग्रंथों का निर्माण कर देते हैं, उन्हीं की वाणी को बोल रहे हैं और उनको नहीं मान रहे हैं, कितनी अजीब सी बात है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक शब्द हैं, अर्थ हैं, लेकिन हम लोग वही अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं जो जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए हैं। कई लोग प्रभुपाद की भगवद्गीता पर भागवतम पर आरोप लगाते हैं। देखिए जी, अगर आप डिट्टो एज इट इज संस्कृत के शब्दों का ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें ये भक्ति नहीं था, ये प्रभुपाद ने देखिए जी भक्ति जोड़ दिया यहाँ पर, ऐसा कई जगह वो बोलेंगे। तो आप समझ लीजिए प्रभुपाद वो जोड़ रहे हैं जो भगवान बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान को सुप्रीम मानते हैं, उनका पूरा जीवन भगवान पर समर्पित था, कृष्ण पर समर्पित था।
तो वो नहीं जानेंगे, तो आप जानेंगे क्या कृष्ण के क्या कहना चाहते हैं, जो कृष्ण को मानते ही नहीं है। कोई उनको राजकुमार मान रहा है, कोई उनको एक महान आत्मा मान रहा है, कोई कह रहा है ठीक है उन्होंने शरीर धारण किया है। जब कोई ऐसा मानेगा कि शरीर धारण किया है तो उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास क्यों होगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भागवत गीता में 700 श्लोक नहीं है, ऐसा एक संप्रदाय है जो कहता है 700 श्लोक नहीं है, इसमें 400-500 श्लोक हैं, 300 श्लोक आपने डाले हैं, आप लोगों ने डाल दिए। जहाँ भी कृष्ण बोल रहे हैं कि हम सर्वस्व प्रभु इत्यादि, ये तो आपके डाले हुए हैं। और जहाँ जहाँ कृष्ण ने बोला कि मैं वो अव्यक्त शक्ति भी हूँ, हाँ ये देखो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं एक सर्वव्यापी शक्ति हूँ, ये ओरिजिनल गीता है। तो इस प्रकार से अर्थ के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या लिखा है, वो लिखा है जो भगवान कहना चाहते हैं। कई बार समझदार व्यक्ति इशारों से बात करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इशारों को समझता नहीं है। फिर कोई व्यक्ति समझदार व्यक्ति आता है जो बीच में इशारों को डिटेलिंग करके दूसरों को समझाता है, राइट। इसलिए तो इतने मैनेजर होते हैं कंपनी में, एक टॉप मैनेजर है, उसके अंदर नीचे एक और मैनेजर, उसके नीचे एक और मैनेजर, फिर नीचे एम्प्लॉयज़ हैं। क्यों? क्योंकि जो सीईओ है वो बहुत कम बात करेगा, उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एक लाइन बोले और वो 50 लाइनें समझ जाए। हाँ, अब वो सीधा अगर नीचे वाले लोगों को एक लाइन बोलेगा तो नीचे पता नहीं क्या ही समझ लेंगे। इसलिए उसको बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति एक चाहिए होता है जो उसकी बात समझ के नीचे वालों को 2 लाइनें बताता है, नीचे वाले और नीचे वालों को 4 लाइन बताते हैं, वो नीचे वाले 8 लाइन, और नीचे जाते जाते हमारे स्टाफ लेबर क्लास में उसको 50-100 लाइनों में बताया जाता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसको ऐसे जोड़ना है, इसको ऐसे जोड़ना है, यहाँ से काटना है, इस प्रकार। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो भी शब्द जोड़े माना वो वही जोड़े जो भगवान कहना चाहते थे। हाँ, और आपने जो काटे, आपने काट के उसका असली अर्थ ही काट दिया वास्तव में। जैसे कि यदि हम कहते हैं कि कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम माम्यम, उसके पास जो कमी होती है उसको ढोता हूँ। आई बिलीव जयदेव गोस्वामी, हाँ, उन्होंने उसको कहा नहीं 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 गलत है, भगवान ढोते हैं, नॉट पॉसिबल, भगवान ढो कैसे सकते हैं, कृष्णा ही सुप्रीम है ना। मैं बता रहा हूँ कि भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान कैसे सही अर्थों को डाल देते हैं। तो उन्होंने कहा यह अर्थ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, हाँ, उन्होंने उसको काट दिया कि ढो थोड़ी सकते हैं। लिखा है श्लोक में योगक्षेम वहाम्यहम, वहामी अहम, मैं उसको धोता हूँ। कृष्णा ढोते हुए कैसे लगेंगे, मेरे पास गेहूं की बोरी खत्म हो गई, कृष्णा बोरी लेके आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन भगवान हृदय में कैसे चाहिए, वो नहाने चले गए, हाँ, और घर में आते हैं और कहते उनकी पत्नी से बोलते क्या हाल है, उन्होंने कहा तुमने वो जो गेहूं चावल भिजवाए वो 2 लड़के लेके अभी आए थे, हाँ 2 लड़के लेके आए थे, मैंने तो कोई गेहूं चावल नहीं भिजवाया। तो वो नहीं, वो लाए थे और कह रहे थे तुमने भिजवाया, और हाँ सुनो मेरी बात, हाँ वो बहुत डर रहे थे आपसे, आप इतने क्रूर है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बोले क्या हो गया, उनके वो लड़कों ने फटाफट गेहूं चावल रखा, हाँ, और मैंने पूछा भैया थोड़ी देर रुको, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुकेंगे नहीं, आपके पति से हमें बहुत भय लगता है। उन्हें भय लगता है, क्या हो गया, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई तो उनकी पीठ पे चाबुक के निशान थे, लाल हो रखी थी पीठ, कटी हुई थी पीठ, ऐसी कटी हुई थी, हाँ, तो और वो चले गए फटाफट भाग ले, तुम इतने क्रूर हो। तो वो जयदेव वो समझ गए, अरे क्या हो गया, हाँ, तो कहते हैं कि कैसे थे वो, तो वो बताती हैं एक श्याम वर्ण के थे, एक श्वेत वर्ण के थे, तो वो एकदम से रोने लगते हैं, स्वयं कृष्ण बलराम ढो के लाए थे, ये दिखाने के लिए ये जो मैंने लिखा है उसका ये मतलब है, और तुम जो इसके मतलब को काट रहे हो ना लाल पेन से, वो हमारी पीठ पर तुम चाबुक मार रहे हो, इसलिए राइट इट एज इट इज़ जैसा मैंने लिखा है। तो ये श्रील प्रभुपाद कई बार डिक्टाफोन पे डिक्टेशन देते थे, हाँ, और डिक्टेशन देते देते कई बार लोग, तो भक्त क्या करते थे शाम को, उनके भक्त, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिकॉर्डर, तो रिकॉर्डर पे प्रभुपाद की ट्रांसलेशन होती थी, वो शाम को सुनते थे और उसको फिर टाइप करके किताबें बनती थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद के शिष्य शाम को आए, देखा कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो प्रभुपाद थके होंगे, और कई दिन तक देखा ऐसे, 2-3 दिन बीत गए कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या हो गया प्रभुपाद, तब उन्होंने कहा कि कृष्ण मुझे इसका ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हैं, मुझे इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आगे लिख नहीं पा रहा हूँ। तो कहते थे मेरा एक एक शब्द वास्तव में कृष्ण द्वारा डिक्टेटेड है। तो इस प्रकार से भक्तों के हृदय में भगवान उन अर्थों को डालते हैं जो वो बोलना चाहते हैं, लेकिन अभक्त क्या डालेगा, वो तो संस्कृत के शब्दों में ही खेलता रहेगा, और फिर कहेगा मुझे न्यूट्रल गीता चाहिए, ढोंगी कहेंगे।
प्रश्नोत्तरे भागवते करी याचे निर्धार, यहाँ श्रवणे लोके लागे चमत्कार। श्रीमद भागवत का रूप प्रश्नों तथा उत्तरों में दिया हुआ है और इस तरह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है। इन प्रश्नों तथा उत्तरों को सुनकर मनुष्य को अत्याधिक आश्चर्य होता है। वास्तव में आश्चर्य की बात है, जब हम भागवतम सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं और बाकी ग्रंथ देखते हैं, इतने विस्तृत ग्रंथ हैं, लाखों श्लोक हैं, उनमें कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है। उधर कोई रामायण का करेक्टर है, इधर वो इधर के करेक्टर से मैच है। जामवान है जी वहाँ पर है, जामवान राम के साथ हैं, इधर जामवान जो है कृष्ण के साथ, साथ वो स्यवंतक जो मणि है उस मणि के साथ उस कथा में जामवान की लिंकिंग हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। द्विविध है, द्विविध उधर राम जी के साथ है, इधर यहाँ पे फाइट कर रहा है। तो मतलब कितने करेक्टर हैं जो इधर उधर सब आपस में कनेक्टेड। जब समझता है व्यक्ति तब समझ में आता है कि हाँ कुछ तो बात है, आश्चर्य की बातें हैं। प्रश्नों का इतने लंबे लंबे प्रश्न, एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो 50 प्रश्न एक साथ पूछ रहा है और बताने वाला फिर सारे 50 को एक साथ बता रहा है, और कैसे सत्य को स्थापित कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। एक एक प्रश्न को उत्तर दिया जा रहा है, जैसे कि हमारी परंपरा में है, छोड़ा नहीं जा रहा है। छोड़ो ना, तुम्हें क्या पढ़िए इन प्रश्न उत्तरों की। जैसे अक्सर हम अपने बच्चों को बोल देते हैं, वो बोलता है ऐसा क्यों, भोग क्यों लगाना है, उन्हें थप्पड़ पड़ेगा, एक चुपचाप जो बोला कर लो। बच्चे कहते हैं हम तो नहीं करेंगे, तुम तो अंधविश्वासी हो। तो वास्तव में ज्ञान लेना बड़ा आवश्यक है और ज्ञान को बांटना बड़ा आवश्यक है, ताकि लोग इसको ज्ञान के साथ भक्ति करें, ना कि सहजिया बन जाए। क्योंकि सहजिया व्यक्ति हमेशा भक्ति करेगा, नॉट पॉसिबल। उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो भक्ति में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन जो ज्ञान के साथ भक्ति करेगा उसके जीवन में उतार चढ़ाव आने पर भी भक्ति करता रहेगा। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम धुनोपेते धर्म कम शरणम गता। अब जबकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम प्रस्थान कर चुके हैं, यही श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे अभी, तो बताइए कि धर्म की रक्षा किसके द्वारा की जा रही है। भगवान तो चले गए, श्रीमद भागवतम 1.1.23। तो इसमें बता रहे हैं, कृष्णे स्वधामो पगते धर्म ज्ञानाधिवि सह कलो नष्ट दशामेशा पुराणार्को अधुनोदितः। जब कृष्ण धर्म तथा ज्ञान दिव्य ज्ञान समेत अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए, तो श्रीमद् भागवत नामक यह पुराण इस कलयुग में सूर्य के समान उन लोगों को आलोक देने के लिए उदित हुआ है जो आध्यात्मिक दृष्टि से विहीन है। तो ये है वास्तव में कलयुग में, खासतौर पर इस युग में इसका तो बहुत विशेष महत्व है। जब हमारी बुद्धि कम है, भूल जाते हैं क्या पढ़ा था भागवत में। आज से शाम अभी एक घंटे बाद आपसे पूछा आज कक्षा में क्या हुआ था, बहुत देर सोचना पड़ता है क्या हुआ था, इतनी मेमोरी शॉर्ट है। क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या अपने जीवन में डालेंगे। इसलिए ये ग्रंथ और इम्पोर्टेंट हो गए हैं। बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं। नित्यम भागवतम सेवे, तब जाके हृदय में परिवर्तन आता है। तो ये जो है कलयुग में सूर्य के समान है, साक्षात भगवान का अवतार है, हमें उजाला देने के लिए आया है भगवान के जाने के बाद। एही मत कहीं लो एक श्लोके रह व्याख्यान, बातु ले रह प्रलाप करी के करे प्रमाण। इस तरह मैंने एक पागल की तरह केवल एक श्लोक के अर्थ की व्याख्या करी है, जस्ट लाइक अ मैड मैन। कितनी सारी व्याख्याएं, 61 व्याख्याएं। इतना हमारा रुचि होती है ना, कथ्यंत क्या है वो, तुष्यंति च रमंति च, कि मेरे भक्त जो है मेरी कथाओं में उसको बोलने में उसको सुनने में रुचि लेते हैं, और यही उनका जीवन है, यही उनका आनंद है। लोगों का आनंद टीवी सीरियल पॉलिटिक्स इत्यादि है, हमारे भक्तों का आनंद क्या होना चाहिए। हमारे भक्तों का आनंद होना चाहिए चर्चाएँ, कृष्ण संबंधी चर्चाएँ, भागवत संबंधी चर्चाएँ, चैतन्य चरिता में इतना जाने क्या क्या ग्रंथ हैं उसके ऊपर डिस्कशंस। जितना इसको करेंगे उतना हृदय में शुद्धिकरण होता चला जाएगा। इसलिए हम लोग इतना कुछ करते हैं, कहीं पर MCQ बनाते हैं, क्विज करते हैं, न जाने क्या क्या छोटे छोटे प्ले स्क्रिप्ट। आप देखते हैं हमारे उत्सवों में क्या होता है, कृष्ण संबंधी पोएम्स, कृष्ण संबंधी विचार विमर्श, और संगीत, और कथा और प्ले, सब कुछ यही सजावट, हर तरीके से दिमाग में कोई और इंप्रेशन आ रहा है, इसको कहते हैं पागलपन। इसलिए अक्सर लोग हमें कहते हैं ये तो पागल है, पागल कुछ नहीं, हर चीज़ में हरे कृष्ण, हर चीज़ में हरे कृष्ण। किसी मृत व्यक्ति को ले आया जा रहा है, दुनिया कहती है राम नाम सत्य ही कहते हैं, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा, उन्होंने अपना ही बना लिया, उसमें भी हरे कृष्णा, चिता में अग्नि है उसमें भी हरे कृष्णा, वहाँ पर भी ऑफरिंग, यहाँ पर भी ऑफरिंग, ये भी ऑफर, ये भी प्रसाद, ये भी, ये सभी चीज़ों में पागल हो गए, पागल, ये इसको कहते हैं पागलपन। अंतिम चिता को जलाया जाता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, शरीर पे भी तिलक लगा रहे हैं, बताइए, हाँ, उसके शरीर पे कृष्ण के नाम लिख रहे हैं, हाँ, और उसके बाद में उसकी चिता के ऊपर भी तुलसी की लकड़ियाँ लगा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैडनेस, ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ऐसे हैं, लेकिन मैंने पागल की तरह हैं, इस श्लोक का अर्थ किया है, ऊपरी ऊपरी भक्ति से काम नहीं चलेगा, इसलिए अक्सर हम कहते हैं। ये बड़ा ही गहरा विषय है, जटिल विषय है, ये सबके बस की बात नहीं है, इट इज़ फॉर द पीपल जो प्रयास करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो ऊपरी ऊपर मजे लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसे प्रमाण के रूप में कौन ग्रहण करेगा। आमा हे न ये बाके बातुल हया ए दिष्टे भागवत तेरा अर्थ जानया। यदि कोई मेरे ही समान पागल बनता है तो इस विधि से वैश्यमत भागवत के अर्थ को समझ सकता है। यस, ऐसा मैंने बताया। कई लोग कहते हैं फेडअप ऑफ कृष्ण, हर चीज में तुम लोग कृष्ण कृष्ण करके, हाँ, फेडअप है, अहंकारी व्यक्ति है। अजानंती माम मूढ़ा मानो तुम तुम्हें, क्या बोलते हैं भगवान, कहते हैं उसके बाद अगले श्लोक में भगवान ने गीता में क्या कहा कि ऐसे व्यक्ति आसुरी स्वभाव को प्राप्त करते हैं, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, उनको सुप्रीम नहीं मानते, उनके विचार आसुरी जाते हैं, इसलिए कहते हैं फेडअप। हम लोग नाम लिए थक नहीं जा रहे हैं, हम पूरे दिन जीव को हिला हिला के हरे कृष्णा कर रहे हैं, वो फेडअप हो जा रहे हैं थोड़ी सी देर में, आसुरी स्वभाव के कारण, उनके पाप उनको ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। तो पागल बनना ही पड़ेगा। दुनिया होती है वाले यदि आपको पागल कहते हैं तो समझ लीजिए दिस इज सक्सेस। जब तक लोग आपको कह रहे हैं हाँ ये व्यक्ति ठीक है, ये तो पागल है, ये ठीक है जाता है मंदिर, हरे कृष्णा भी करता है, लेकिन हाँ, तो इसका मतलब अभी वो व्यक्ति पागल हुआ नहीं है। जो संसार के नज़र में ठीक है ना, तो पागल नहीं हो पाया अभी तक। तो यहाँ तो ये बता रहे हैं जो मेरे समान पागल बनता है, हाँ, अब कई बार ऐसे विचार हमें सुनने को मिलते हैं कि ठीक है ना, मंदिर जाओ, ये करो, पूरे दिन वहीं पर रहो, पूरे दिन सेवाएं करते रहो, पूरे दिन ये करते रहो, इतना नहीं चलेगा, तो आरोप लगता है। इसी कारण ना अक्सर लोग हमसे क्या कहते हैं कि लोग माँ बाप से अलग क्यों कर देते हैं, ये क्यों करते हैं। अरे हम तो कभी अलग, हम तो दिन रात आपको क्या बताएं, हमारे लेक्चरों में सुनिए और पर्सनल गाइडेंस में, हम तो ये कहते हैं भैया चले जाओ, उनकी बात सुन लो। कहते हैं प्रभु जी क्या बात सुन लें, प्रभु जी बकवास करते रहते हैं, गाली देते हैं भक्तों को, गलत बोलते हैं भक्तों के लिए, चले जाएं उसके पास। तो हम क्या जवाब दें, शास्त्र तो नहीं कहते ना फिर ऐसे में जाने को। तो द प्रॉब्लम इज, ऐसा नहीं कि हम लोगों को समाज से अलग कर रहे हैं, समाज निंदक है। कोई व्यक्ति पागल हो चुका है भक्ति में और वो कहते हैं पागल में क्यों बन रहे हो, इतना क्यों पागल बन रहे हो, अच्छा तुम उनके लिए तो इतना कर रहे हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। वो कहते हैं क्या करूँगा जी, मैं भी हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखाऊंगा बार बार हर दो दो सेकंड में कि आपकी फोटो हमारे हृदय में लगी हुई है। इस कारण से मन मुटाव होते हैं संसार में। लेकिन समझदार व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, चलो मैं तो नहीं बन पाया पागल, नो प्रॉब्लम, बट ये जो पागल है बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति है। वास्तव में शास्त्र कह रहे हैं ऐसा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं पागल कर बने, कह रहे हैं ऐसा पागल जो बनेगा वही समझ पाएगा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि समाज के साथ सामंजस्य बना के रखें। डिवोटी जो हमें ट्रेन करते हैं, नहीं तो डिवोटी तो पता नहीं क्या क्या करते हैं पागलपन में, फिर भी हम थोड़ा संभाल के रखते हैं कि देखिए बैलेंस बनाने की कोशिश तो कीजिए कम से कम, कम से कम जो द्वेषी नहीं है उसके साथ तो बना लो, पागलपन उसके अंदर नहीं सवार हुआ है, एक दिन वो भी पागल हो जाएंगे, तब तक थोड़ी पेशेंस रखो। लेकिन जो दोषी है, जो द्वेषी है, जो बुरा भला बोले भक्तों के लिए, उसके लिए तब उसके साथ कैसे भगवान कैसे भक्त रहें बताइए। जिनका जीवन ही कृष्ण है वो ऐसे लोगों के साथ कैसे रहे जो भक्तों की निंदा करे। यदि वो भक्त है, यदि वो ढोंगी है, तो ही ऐसे भक्तों के साथ रह सकता है जो भक्तों का निंदक है। तो ये है बात सारी। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करें, मेरे समान पागल जो बनता है वह इस विधि से वह भी श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझ सकता है, अदरवाइज नॉट। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताते हैं कि जो लोग भौतिकतावादी हैं वो श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकते। भाई सारे भौतिकतावादी लोग जो है भागवतम सप्ताह कर रहे हैं, सारे नहीं मतलब जितने कई लोग कर रहे हैं, उसको उसके मूड को देख के एक घंटा उस कथा में बैठ जाते हैं, तो हमसे तो अब बैठा नहीं जाता, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी, अभी सर फट जाएगा। कई बार ऐसा बैठने को हुआ तो पागल सपन सा लगता है, कैसे उठें यहाँ से। हाँ, ऐसी एक भागवत कथा में कई बार बीच में कोई व्यक्ति आ जाते हैं, अपनी कथा बोलने लगते हैं, उसमें कथा में मुंह से खोलते ही निराकारवाद और सब चीज़ें सुनाई देती हैं, बैठना मुश्किल हो जाता है।
कृष्ण के इतने सुंदर इतने दिव्य स्वरूप के बारे में ना जिक्र करके वो कुछ और ही बोल रहे होते हैं। कृष्ण मर गए, और मरते मरते पता नहीं क्या क्या दिन रात इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है संसार में। कल हम एक जगह पर गए, वहाँ पर वो जो होती है हमारी तेवी या रसम पगड़ी वगैरह वगैरह, तो मैंने एक बार पहले ही बताया था, कल हम वहाँ गाने सुन रहे हैं कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, पिंजरे का पंछी हुआ आत्मा तेरा दर्द न जाने कोई, मतलब कौन नहीं जानता दर्द को। शास्त्र तो खुलेआम बोल रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, वो कह रहा तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे का पंछी तो उड़ के मुक्त होता है, दर्द काहे का है वास्तव में, लेकिन वो इमोशनल है ना, तेरा दर्द कौन जानेगा, तू संसार के छोड़ के जा रहा है, चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। इमोशनल कर करके जब लोग रो देते हैं तो कहते हैं वाह वाह हमारे वाली क्रिया में भी तुम ही आना भैया। हाँ तो बस ऐसे लोगों का बोलबाला चारों तरफ हो रहा है, जो रुलाना जानते हैं। पिक्चर वाले क्या करते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको गंदा दिखाते हैं, फुल ऑफ इमोशंस। इन इमोशंस का कोई लेना देना नहीं है वास्तव, ये संसारिक इमोशन है, झूठ है, फरेब है। जब कोई जाता है, हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति ने भी भागवत पढ़ेंगे, जब उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो हिरण्यकश्यपु ने श्रीमद् गीता का उपदेश दिया। हाँ, और यहाँ पे सोचिए कितने बड़े हिरण्यकश्यपु हैं जो बोल रहे हैं चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, वो कहता है जी तेरा दर्द न जाने कोई, कौन नहीं जानता दर्द, बताइए। सारे शास्त्र तो दर्द को जान के बता रहे हैं, आप कह रहे हैं दर्द न जाने कोई, तो आगे उपदेश क्या देना चाह रहे हैं आप, नोबडी नोज। तो पागल वास्तव में संसार पागल है सच पूछा जाए तो। हाँ, वो लोग भक्तों को पागल बोलते हैं, संसार पागल है। तो वो भौतिकतावादी क्या श्रीमद् भागवत करेंगे, क्या वो कोई रसम पगड़ी करेंगे, क्या वो कुछ और करेंगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चैतन्य महाप्रभु के समान पागल बनना पड़ेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य भी है जिन्होंने पागल के समान भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। अपने ही द्वारा लिखित श्लोक के अनुसार युगायितम निमेषेण, वो कहते हैं कि एक क्षण 12 वर्षों के समान लगता है। चक्षुषा प्राविशायितम, मेरे अश्रु वर्षा की धारा के समान बह रहे हैं। शून्यायितम जगत सर्वम, मुझे लगता है कि सारा ब्रह्मांड शून्य है गोविंद विरहण में, भगवान से बिछड़ जाने पर ऐसा पागलपन पैदा करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए सब हमारे लिए भी है। हाँ, हम ऐसा ना सोचें, इच्छा तो करें, कम से कम प्रार्थनाएं तो करें। हाँ, ये ना सोचें कि ये जो अष्ट सात्विक विकार है हमारे लिए तो है नहीं, नहीं है हमारे लिए, मानते हैं, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हमारा कब ऐसी हमारी स्थिति होगी। नयनम गलद शुद्धारया वदनम गदगद हृदया गिरा, कब ऐसा समय आएगा, कब हबे बोलो ए दिन तुम, ए दिन हमार, शुद्ध नामे रुचि अपराधे रुचि, शुद्ध नाम में रुचि मेरी कब पैदा होगी, अपराधों के प्रति कब मेरा घृणा पैदा होगी। दिस शुड बी द प्रेयर, प्रेयर तो कर ही सकते हैं दिन रात। कृष्ण के लिए पागल चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चल कर ही श्रीमद् भागवत को समझा जा सकता है, किंतु हम चैतन्य महाप्रभु का अनुकरण नहीं कर सकते, यह संभव नहीं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो तो कर सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को समझने के लिए निष्ठावान ना हो तब तक श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पूर्ण विवरण दिया हुआ है, और पहले 9 स्कंद बताते हैं कि कृष्ण कौन है, और 10वें स्कंद में बताते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे अवतरित होते हैं। भागवत गीता में बताया गया कि जन्म कर्म जमे दिव्यम, कृष्ण के आविर्भाव और उनका तिरोभाव दोनों ही दिव्य हैं, लौकिक नहीं है, संसारिक नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण को तथा उनके आविर्भाव एवं तिरोभाव को पूरी तरह समझ लेता है वह भागवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। तो धाम जाने के लिए इतना गहरा हमें जाना पड़ेगा, और इसकी पुष्टि भगवद्गीता में स्वयं भगवान द्वारा की गई कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जनम्। वो व्यक्ति संसार में नहीं आता, यानी कि ऊपर ऊपर की भक्ति से हम ऐसा नहीं है कि हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। इट शुड बी किस लेवल की होनी चाहिए, पागलपन की लेवल। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमद् भागवतम तथा भगवद्गीता से कृष्ण के विषय में सीखना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जो लोग चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण नहीं करते वे भगवद्गीता और भागवतम को नहीं समझ सकते, और जो अनुसरण करते हैं उनको दुनिया अक्सर पागलपन पागल कहती है, और हमारे रिश्तेदार अक्सर कहते हैं, जब हर चीज़ में हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, हम आपके घर में आएंगे हम नहीं खाएंगे जी, हाँ हम अपना खुद बनाएंगे, हम ऑफरिंग करेंगे, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते, कहते हैं दिमाग खराब पागल हो गए। इस प्रकार से
इस लेवल पे आकर ही हम कह सकते हैं कि यस अब हमें समझ में आ रहा है इसका मतलब। पुनः सनातन कहे योड़ी दोई करे प्रभु आज्ञा दिल वैष्णव स्मृति करी बारे। हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी ने कहा हे प्रभु, आपने मुझे वैष्णव के कार्यकलापों के विषय में एक निर्देशिका लिखने का आदेश दिया है। सनातन गोस्वामी इज सो इन रैप्ड अटेंशन कि वो फोकस नहीं भूल रहे हैं। देखिए इसको कहते हैं, हम कहते हैं ना कि ध्यायमस्तु यशस्ति संध्यम संबंधे गुरु श्री चरणारविंदम, कि हम लोग तीन बार ध्यान करें। तो तीन बार ध्यान करें गुरु का वो कोई लिमिट नहीं है, कम से कम तीन बार तो करें। ध्यायमस्तु यशस्ति संध्यम, अक्सर हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है, हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस मेडिटेट आनी चाहिए। ध्यान करने का मतलब ये है। हाँ, कई बार जो लोग कहते हैं ना मैं भूल गया, वो वही व्यक्ति भूलता है जो इंस्ट्रक्शंस पे मेडिटेट नहीं करता है, जो ध्यान ही नहीं लगा रहा है। जो ध्यान लगाएगा तो एकदम, इतनी सारी कथा सुनने के बाद, इतने 61 व्याख्याएं सुनने के बाद एक नॉर्मल आदमी को बह जाना चाहिए उन व्याख्याओं में, लेकिन उनको एकदम ध्यान है कि मुझे आदेश क्या दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु आपने मुझे ना एक चीज़ और बोली है करने को, उसके बारे में भी कुछ बता दो ताकि मैं उसको लिख पाऊँ। तो वैष्णव के कार्यकलापों के विषय में एक निर्देशिका स्मृति लिखने को कहा है। मुई नीचे जाति किचु ना जानू आचार, मोहे ते केचे हया स्मृति पर चार। मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूँ, बताइए। ये है नीच व्यक्ति, हमारे भगवान के साथ बातचीत कर रहे हैं, भगवान को समझा रहे हैं और कह रहे हैं हे सनातन, तुम्हारे कारण मुझे ये सारी मीनिंग्स आ रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है मैं बड़ा नीच हूँ, मुझे अच्छे आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है, मेरे लिए वैष्णव के कार्यकलापों के विषय में प्रमाणिक निर्देशक लिखना कैसे संभव है? कैसे मैं वैष्णव एटिकेट के बारे में लिख पाऊंगा, सदाचार के बारे में लिखूंगा, जब मैं खुद ही सदाचारी नहीं हूं? तो यही सबसे बड़ा सदाचार है वास्तव में। अपने को निम्न मानना सबसे बड़ा सदाचार तो यही है, यही नहीं आया तो सब बेकार हो गया वास्तव में। वास्तविकता तो यह है कि सनातन गोस्वामी अत्यंत सामान्य ब्राह्मण परिवार के थे, तो भी उन्होंने अपने आप को पतित निम्न जाति का माना, क्योंकि मुस्लिमों के साथ कनेक्टेड हो गए। ब्राह्मण से कभी यह आशा नहीं की जाती वह किसी की नौकरी करेगा, जीविका के लिए नौकरी करना शूद्रों का पेशा है। ब्राह्मण तो सदैव स्वतंत्र रहता है और शास्त्रों का अध्ययन करने तथा क्षत्रियों एवं वैश्यों जैसे समाज के निम्न कोटि के सदस्यों को शास्त्रों का उपदेश देने में व्यस्त रहता है। सनातन गोस्वामी वैष्णव के आचारों की आचरण के विषय में वैष्णव स्मृति लिखने के लिए अपने आप को अयोग्य मानते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज अपने आप को अयोग्य मानते हैं कि आई एम नॉट एलिजिबल टू राइट चैतन्य चरितामृत, मैं सबसे अधम हूँ, जो मेरा शक्ल देख ले उसको नहा लेना चाहिए दोबारा से, मैं इतना पतित व्यक्ति हूँ। दिस इज, ये कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज। तो ये लोग अपने आप को अयोग्य मानते हैं। हम लोग कहते हैं ये सेवा तो मैं कर दूंगा, मेरे को देख के देखो जरा, गिव इट टू मी। उन व्यक्ति से नहीं होगी, एक बार मेरे को तो देखे दो। ऐसे व्यक्ति किसी के साथ कोऑपरेट भी नहीं करते, हाँ, वो क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। देखो जी, मेरे को दोगे तो काम ऐसे कर दूंगा, नहीं दो फिर ठीक है कर लो, अपने आप कर लो। एंड दे वेट फॉर द प्रोजेक्ट टू फेल, और फिर वो मसीहा की तरह आए और प्रोजेक्ट को संभाल लें ताकि उनका नाम ख्याति फैल जाए। क्योंकि सबके सामने वो नमक कितना काम कर लेंगे तो फिर क्या पता चलेगा, मेरी वैल्यू का पता चलेगा इन्हें? हाँ, तो इस प्रकार से नहीं सोचते हैं वैष्णव। वो क्या सोच रहे हैं कि आई एम इन एलिजिबल, मैं अयोग्य हूँ वास्तव में, ऐसा वो कह रहे हैं। सनातन गोस्वामी वैष्णव के आचार के विषय में ये लिखना चाहते हैं क्योंकि वे अपने आप को क्या कह रहे हैं, अपने को अयोग्य मानते हैं, नीचे गिरा हुआ मानते हैं। इस तरह सनातन गोस्वामी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति का मानकीकरण होना चाहिए। आजकल भारत में तथाकथित ब्राह्मण अधिकांशतया किसी न किसी संसारी सेवा में लगे और वैदिक शास्त्रों के अर्थ को नहीं समझते, तो भी वे जन्म के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। बड़े खुशी से बोलते हैं हम ये हैं, हम ये कास्ट के हैं, ये गोत्र के हैं। इस संबंध में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्राह्मण को समाज में अग्रणी भूमिका निभानी है तो उसे किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए पहले तो। हाँ, श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कहते हैं कि चाहे कोई ब्राह्मण कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, उसे शूद्र की वृत्ति ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे और दूसरा वाला कितना भी आसान क्यों ना लगे, छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए वो कहते हैं हे अर्जुन, तुम ऐसा मत करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये सो कॉल्ड ब्राह्मण बन मानो, दया मत दिखाओ। तुम्हारा काम यहाँ पे युद्ध भूमि में दया दिखाना नहीं है, क्षत्रिय का काम है तलवार उठाए और धर्म की संस्थापना करे ताकि बाकी लोग धर्म का पालन करें। अगर वही दया दिखा देगा तो दुष्ट लोग चारों तरफ फैल जाएंगे। तो उसी तरह ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं,
ब्राह्मण अगर अपनी जीव को उपार्जन करना मुश्किल हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं, अगर वास्तव में वो प्रचार कर रहा है यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि शूद्र की वृत्ति को ग्रहण मत करो। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे किसी अन्य की सेवा में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह कुत्तों का कार्य है। इस परिस्थिति में सनातन गोस्वामी अपने आप को अत्यंत नीच मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमान, इसमें ज़्यादा बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमी तुम्हार कुकुर, हमें वैष्णव का कुत्ता बनने को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वह कुत्ते को लोग अपना झूठा दे देते हैं। तो इस प्रकार से कुत्ता बड़ा वफादार होता है, बड़े गुण हैं उसके अंदर, लेकिन कुत्ता ग्रीडी भी होता है, तो ग्रीडी डॉग नहीं बनना है, लॉयल डॉग बनना है। इसलिए इसमें प्रभुपाद बहुत ही स्पष्ट वक्ता है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। इस परिस्थिति में सनातन गोस्वामी अपने आप को अत्यंत नीच मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमान सरकार की नौकरी स्वीकार की थी। निष्कर्ष यह है कि किसी अन्य की सेवा करते हुए कोई व्यक्ति केवल जन्म के कारण अपने आप को ब्राह्मण ना कह सके। इस प्रकार से बहुत ही दो बहुत ही, एक तो भगवान है और एक भगवान के एक पार्षद हैं, दोनों की जब चर्चा होती है तो अद्भुत होती है। जैसे रामानंद राय और कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की चर्चा हुई, ये चर्चा भी अद्भुत है, आपको सुन के आनंद आ ही रहा होगा, मुझे पढ़ के बहुत आनंद आ रहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।